दो महीने बाद अपनी मोटरसाइकिल से। मित्रों स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। सो फाइनली वो दिन आ गया जब मैंने अपनी मोटरसाइकिल निकाल ली आफ्टर 2 मंथ्स। लास्ट हम गए थे चकराता और आज का जो ब्लॉग है वो होगा दक्षाई राइड, सोलो राइड। 2 महीने हो गए थे, बड़ा मन था कि कहीं जाऊं मोटरसाइकिल लेके। फिर उसके बाद बड़ बीच में गर्मियाँ शुरू हो गई और साथ में काम में भी बिजी हो गया था अपने, तो मौका नहीं लग पाया। बट फाइनली आज टाइम निकाल ही लिया और मैं जा रहा हूँ राइड करने। तो राइड कर रहा था, सोचा कि उसका रिकॉर्ड भी कर लूँ ताकि आप लोगों को भी दिखाऊँ हमारा आज का सोलो राइड ट्रिप। कल रात को थोड़ी बारिश भी होगी जिसके कारण मौसम जो है अभी तो बढ़िया लग रहा है। टेम्परेचर मेरे हिसाब से 26-27 होगा, बाकी दिन में कैसा रहता है पता नहीं। बट अभी के लिए वेदर बहुत अच्छा है तो राइड करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और आज मैं अपने साथ कोई टैंक बैग और सैडल बैग कैरी नहीं कर रहा क्योंकि मैं जा रहा हूँ अराउंड 50-60 किलोमीटर ही होगा। तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को बता दूं कि मेरे घर से माउंटेन ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर क्रॉस करने में माउंटेन शुरू हो जाते हैं। तो जिस जगह मैं जा रहा हूँ वो यहाँ से है अराउंड 50 किलोमीटर, तो इसलिए मैं कोई ऐसा बैग कुछ कैरी नहीं कर रहा। हाँ मेरे पास एक बैग है जो मैं जिम लेके जाता हूँ, मैंने वाटर बॉटल बाकी अपना ड्रोन वगैरह डाल लिया था सो दैट कि अगर कोई रिकॉर्ड करना होगा तो इसलिए। अदरवाइज़ ऐसा कुछ ना ही सैडल बैग उठाया ना ही मैंने अपना टैंक बैग उठाया। वापिस आते हुए यहाँ पे ना टोल से अपना फास्ट टैग भी ठीक करवाऊँगा, पता नहीं फॉर सम रीज़न इनएक्टिव पड़ा है, तब तक खुल भी जाएगा। थोड़ा टाइम पहले मैंने नया फास्ट टैग लगवाया था अपनी गाड़ी में, क्योंकि जो पुराना वाला था वो पेटीएम का था, पेटीएम वाला बंद हो गया था तो इसलिए मुझे नया बनवाना पड़ा। और जब से वो बनवाया तब से वो एक बार ही एक्टिव हुआ। सो अभी मैंने जस्ट एक छोटा सा ब्रेक लिया, ब्रेक तो क्या ही लिया, मैं गोप्रो देख रहा था कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा। पिछले 10 किलोमीटर से मैं आप लोगों से बातें करी जा रहा था और रिकॉर्ड कुछ हो नहीं रहा था। स्क्रीन में मैंने टैप किया, मैं कहा देखो चल रहा है कि नहीं चल रहा, बट पता नहीं क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ, थोड़ा सा रिकॉर्ड हुआ। बट कोई बात नहीं, अभी तो जर्नी बहुत पड़ी है, आगे चलेंगे बात करेंगे। और ये रही अपनी फिलहाल मोटरसाइकिल, एज यू कैन सी हियर ये बैग है जो मैं कैरी कर रहा हूँ आज, ये मैं जिम भी लेके जाता हूँ। और साथ ही मेरा व्यू आप चेक करो। घर पे मैंने कुछ इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि सब सो रहे थे एंड आई डोंट वांट कि कोई डिस्टर्ब हो मेरे करके, इसलिए जो ब्लॉग है वो सीधा मैंने मोटरसाइकिल से शुरू किया। तो चलते हैं अब सीधा, कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी और आगे रुकेंगे आप लोगों से और बातें करेंगे। सो अभी थोड़ी देर पहले हो रही थी ड्रिजलिंग, फिलहाल अभी वो रुक गई है। देख रहे हो आप, आपको एक ही ब्लॉग में कितना कुछ देखने को मिल रहा है, कड़कती धूप, बारिश, पहाड़ और सब क्या चाहिए। हालांकि आज मैं कोई टैंक बैग या फिर सैडल बैग कैरी नहीं कर रहा, बट गियर्स मेरे पूरे हैं, राइडिंग जैकेट, नी गार्ड, ग्लव्स, ये सब मैं पूरे डाल के चलता हूँ। चाहे 100 किलोमीटर की राइड हो चाहे 1000 किलोमीटर की राइड हो, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो ना तो आप लोगों को भी अपने गियर जो है वो पूरे अप टू डेट रखने चाहिए, क्योंकि जो सेफ्टी है वो पहले है। जैसे मैं रख रहा हूँ, चाहे बेशक 50-60 किलोमीटर ही है सिंगल साइड, बट आई एम वेयरिंग माई ऑल राइडिंग गियर्स। अच्छा भी लगता है, बढ़िया लगता है, जब बाइक चलाते हो तो आपको वाइब भी आती है कि हाँ आप एक राइड कर रहे हो, नहीं तो ऐसे ही लगता रहता है कि यार लोकल ही चला रहे हो। अगर आपके पास रॉयल इनफील्ड है और अगर आप पहाड़ों में जा रहे हो ना, तो अगर आप जितना स्लो आप चलाओगे ना आप उतना ज़्यादा राइड को एंजॉय करोगे। अब पिछले आधे पौने घंटे से मैं राइड कर रहा था और स्पीड मेरी ज़्यादा नहीं थी, यही कोई 40 के आसपास थी और बहुत ही बढ़िया लग रहा था। साथ साथ सीनरीज भी इंजॉय कर रहा हूँ और साथ साथ राइड भी इंजॉय कर रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सो अगर आप लोगों के पास भी अगर रॉयल इनफील्ड है ना तो एक बार ट्राई करना, अगर आप माउंटेन्स में होते रहो स्लो राइड करो
और जो बुलेट की आवाज़ आती है ना डुक 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 डुक, बहुत ही प्यारी आवाज़ लगती है मेरे हिसाब से। तो अगर आपका रॉयल एनफील्ड है ना, और अगर आप उसको जितना स्लो चलाओगे आप उसको उतना ज़्यादा इंजॉय करोगे। बाकी सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है, मेरा मेरे दिमाग में ये था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वाह, वो ट्रेन जा रही, आई डोंट नो अगर कैमरा कैप्चर कर रहा है कि नहीं, बट ये तो बढ़िया व्यू हो गया। छोटी ट्रेन चलती है यार, ड्रोन उड़ाना चाहिए था भाई। देख रहे हो साथ साथ ट्रेन जा रही है। ये जो ट्रेन है ये टॉय ट्रेन है, ये चलती है सुबह और ये जाती है शिमला। मैं भी इस ट्रेन में गया हुआ हूँ जब मैं 10th क्लास में था, बहुत पुरानी बात है ये। तो हम 7-8 फ्रेंड्स थे, हमने प्रोग्राम बनाया था कि ट्रेन से चलेंगे शिमला। उस टाइम पे ये हाईवे जितने हाईवे हुआ नहीं करते थे, और ट्रेन जो था ऑब्वियसली शुरू से ही चीपेस्ट वे रहा है। तो हम लोगों का था कि स्कूल टाइम में पढ़ा करते थे तो पैसे इतने हुआ नहीं करते थे, और ज़्यादा ना घर वालों से लेते थे, तो जो भी पॉकेट मनी होती थी उसी से बचा बचू के। तो सबने प्लान किया था कि चलते हैं वहाँ। तो हम लोगों ने सुबह कितने शायद 4 बजे के आसपास कालका से ये ट्रेन पकड़ी थी, और भाई साहब इतनी स्लो चलती है ना। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा लग रहा था जब टनल्स वगैरह आ रहे थे कि हाँ यार ट्रेन पे जा रहे हैं। तो उस टाइम बाद तो बोर ही हो गए। उस टाइम पे शिमला बाय रोड हुआ करता था शायद 3-4 घंटे हुआ करता था, और ये ट्रेन लगाती थी कम से कम 7-8 घंटे। पक गए थे इसमें बैठे बैठे, और इतनी छोटी ट्रेन थी, 10th क्लास में होते थे इतनी हाइट भी नहीं हुआ करती, बट फिर भी खड़े होते थे, ट्रेन पूरी हाइट के साथ टच करती थी। बट वो भी एक बढ़िया एक्सपीरियंस था, अच्छा था। हम कुफरी गए थे उस टाइम पे, और उन दिनों बर्फ़ भी पड़ी हुई थी। एकदम से ट्रेन देख के याद आ गया, ये बहुत स्लो चलती है। अगर मैं इसको चाहूँ ना आगे जाके ड्रोन अपना तैयार रख सकता हूँ और एक बढ़िया सा सीन कैप्चर कर सकता हूँ। क्या बोलती है पब्लिक, किया जाए। मेरे राइट पे आप देख सकते हो ये सारे पहाड़ जले हुए हैं, गर्मी के कारण इनमें आग लग जाती है, स्मेल भी आ रही है जल रही। हाँ जी, ये एक यहाँ पे कैफे है, एक कैफे इधर से जाओगे ना, इधर से ओके लेफ्ट साइड में नीचे रास्ता जा रहा होगा। अच्छा ठीक, थैंक यू, थैंक यू। ये देख रहे हो आप, ये सारा जो है ना सब आग लगी होगी इसके चक्रों में। हालांकि ग्रीनरी बहुत है वहाँ पीछे तक, सारी ग्रीनरी है, बट कुछ एरियाज में आग लगती थी जिसके कारण ये सारे जो है अभी भी स्मेल इनमें से आ रही है। पास खड़े हैं तो पता लग रहा है कि यहाँ आग लगी थी। तो सामने वो बंदर है। फिलहाल अभी मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगा और हवा बहुत अच्छी चल रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एज़ कम्पेयर टू वहाँ के कंपेरेटिवली तो बहुत अच्छा लग रहा है, वहाँ तो 44-45 होता है, बट इस समय जो टेम्परेचर है वो है अराउंड 20 होगा, और काफ़ी अच्छा वेदर है। हालांकि ये डाली हुई है, कोई ऐसा गर्मी लग रही, कुछ चुभ नहीं रहा, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और पीस भी बहुत है, शांति इतनी है कि आप सुन सकते हो पीछे पक्षियों की भी आवाज़ आ रही है, चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। ये चीज़ सब कहीं नहीं मिलती यार। ये फ़ायदा है, आप जैसे घर के पास ही है, 50 किलोमीटर पर आपको पहाड़ मिल जाते हैं। तो कभी भी अगर आप लगता है कि यार नहीं थोड़ी सी आउटिंग होनी चाहिए तो अपना यहाँ पर आ जाता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पे एक कैफ़े है, वो अभी बंद है, वो खुलेगा 9 बजे, और टाइम हो रहा है अभी 8। तो देखता हूँ अगर रुकूंगा क्या करता हूँ थोड़ी देर, उसके बाद वो होता है यहाँ पे। सो मैं पहुँच गया हूँ दक्षिणी, और अभी एक कैफ़े में रुका हूँ,
आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कैफ़े सीरी करके एक कैफ़े है, काफ़ी अच्छा कैफ़े है, डिसेंट सा कैफ़े है। आई जस्ट हैड अ कॉफ़ी हेयर। हालांकि ना सुबह 9 बजे से पहले खुलता नहीं है, तो मैं यहाँ से भी जा रहा था तो मैंने देखा लाइट जली है, तो मैं चला गया इनके पास। जो ओनर है ना इतने अच्छे हैं ना, उन्होंने बोला कि अभी हम सफाई कर रहे हैं, बट कोई नहीं आप ऑर्डर कर लो। सुबह के 8 बजे उन्होंने मुझे कॉफ़ी ऑफर करी है, एंड काफ़ी अच्छे इंसान हैं वो, और उनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी भी है, एयरबीएनबी भी है। सो फ्यूचर में शायद मैं प्लान भी करूँ अपनी फैमिली को यहाँ पर लेकर आऊँ, काफ़ी पीस है। ये बता रहे थे कि ना यहाँ पे ना वेदर जो है ना, मतलब इस बार कह रहे थोड़ा सा 30 डिग्री तक चला गया, अदरवाइज़ जो क्लाउड्स है ना वो मतलब नीचे तक यहाँ तक मतलब कैफे तक आ जाते हैं, अगर दरवाज़ा खोले तो उसके अंदर इस तरीके से आते हैं। और वेदर कहते बहुत ही अच्छा वेदर होता है, तो इनका मैंने नंबर ले लिया, तो आने से पहले इनको फ़ोन कर लूँगा अगर वेदर बढ़िया हुआ तो। सोच रहा हूँ फैमिली के साथ भी एक दिन यहाँ पे आऊँ। आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, इस कैफ़े में आ सकते हैं, अगर दक्षाई आ रहे थे इस कैफ़े में ज़रूर विज़िट करना। रीज़नेबल सा कैफ़े है, पीछे बच्चों का खेलने का एरिया भी है, यहाँ बाहर बैठने का भी एरिया है जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे। सो हालाँकि ये ना पहले संडे को रॉयल एनफील्ड वाले इन्होंने राइड करवाई थी, वो लोग यहाँ आए थे, मैंने भी आना था बट किसी काम के कारण मैं आ नहीं पाया था, तो मैंने सोचा यहाँ दक्षाई आया हूँ तो इस कैफे में भी विज़िट करता हूँ। सो आप लोग भी अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आप एक बार इसको ज़रूर चेकआउट करें, बाकी कॉफ़ी इंजॉय करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी मोटरसाइकिल पे, देखेंगे अगर चलना आगे चलना होगा तो आगे चलेंगे, अदरवाइज वापस चलेंगे। मैं स्लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आसपास कोई इतने जने है नहीं है, तो आवाज़ जो है ज़्यादा गूंज रही है, तो जो घरों में आसपास या पीछे रहते हैं तो उनको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस करके मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, बट आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। और जो एक चीज़ मैं आपको बोल रहा था ना कि आग लगी है, आग लगी है, ये बता रहे थे कि ये जो आग है ना ये इंटेंशनली लगाते हैं और कंट्रोल्ड फायर होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जो लोकल्स होते हैं ना जिनकी गायें होती हैं, वो गायें चराने के लिए क्या करते हैं, बेसिकली पहाड़ों पे ही जाते हैं, तो पेड़ एक नाम बता रहे थे कोई पेड़ है, उसकी जो डंडियाँ होती हैं ना वो गिरती हैं, जब वो गिरती है ना तो वो सूख जाती हैं, तो गायें के खाने लायक रहती नहीं है, तो ऑब्वियसली जो गायें हैं गायें को और नीचे तक जाना पड़ेगा खाना खाने, तो इससे क्या होगा कि वो पहाड़ पे जैसे स्टीप रहता है तो इनके एफर्ट्स बढ़ जाते हैं गाय को चारा खिलाने के लिए, नीचे तक जाना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि जिन दिनों में बारिश शुरू होने वाली होती है ना उससे कुछ दिन पहले ही ना ये इसको आग लगा देते हैं, ताकि जब लीव्स हैं ये जल जाएं, और ऑब्वियसली जब बारिश आएगी तो वो कंट्रोल भी हो सकते हैं। तो बेसिकली जो फायर है ना वो कंट्रोल्ड वे में लगाते हैं और इंटेंशनली लगाते हैं, इनको पता होता है कि ये हम लगा रहे हैं और इसको ईजिली कंट्रोल भी कर सकते हैं, ताकि बारिश जो आएगी तो उससे वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली वेदर से कुछ नहीं है कि हाँ हीट के कारण ये लगते हैं, ये जो फायर है ना इंटेंशनली ये लोग लगाते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। तो सुंदर से कैफे को बाय बाय बोल के मैं निकल लिया हूँ वापस की ओर। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ, कम से कम मैं 2 घंटे बैठा हूँगा कैफे में, मैंने कॉफ़ी पी और वेदर को एंजॉय किया। यहाँ मंकी बहुत है, ड्रोन उड़ाने का मेरा मन तो है, सोच रहा हूँ यहाँ उड़ाया जाए, उड़ाना चाहिए हमें ड्रोन। वो देखो नीचे आग लगी हुई है ना, इसकी बात कर रहा था मैं। ये कहते हैं ये इंटेंशनली लगाते हैं और कंट्रोल्ड फॉर्म में होती है, मतलब ऐसा नहीं है कि आग लग गई है। क्या कहती है पब्लिक, उड़ाया जाए ड्रोन यहाँ पे। ना यहाँ तो उड़ा लेते हैं, मुझे ये होता नहीं है कंटोनमेंट एरिया ना उड़ाना अलाउड है कि नहीं, देखते हैं। मैं उड़ा नहीं पाया,
एक तो ड्रोन में सिग्नल भी वीक दिखा रहा था और मेमोरी कार्ड उसके अंदर था ही नहीं। चलो मेमोरी कार्ड तो मैं गोप्रो का भी निकाल के डाल सकता था, अपना जो इसका ड्रोन का था वो मैं घर ही भूल गया। बट ड्यू टू वीक सिग्नल मैंने रिस्क नहीं लिया, क्योंकि लास्ट टाइम मैं राजस्थान गया था वहाँ मेरे साथ पोपट हो गया था। एक तो हवा बहुत चल रही थी, ऊपर से सिग्नल भी वीक था, और ये मेरा ड्रोन जो था गिर गया था रेगिस्तान में, और 50 डिग्री में हम ढूंढ रहे थे इस ड्रोन को। सो फिलहाल मैंने अभी नहीं उड़ाया यहाँ पे, और नीचे आप व्यू देख लो। कोशिश कर रहा हूँ जितना आपको हो सके दिखाता रहूँ ये। वो देखो नीचे आग लगी हुई है। सो ये सब आग जो है ना इंटेंशनली लगाते हैं। दिस इज़ अ सनसेट पॉइंट। शाम के टाइम पे यहाँ से सनसेट दिखता होगा। और वो जो सामने देख रहे हो ना आप, वो जो टावर सा पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसमें, अगर दिख रहा है तो ये है कसौली। सो अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ इस तरह से आ रहे हो, सो कसौली ना जाके अगर आप दुखशाही आओ, एक तो ये लेस क्राउडेड मिलेगा आपको, सेकेंडली यहाँ पे कसौली, शिमला और दुखशाही, चहल, ये सब ऑलमोस्ट सेम हाइट पे है, तो वेदर का आपको चेंज तो मिलेगा एज़ कम्पेयर टू लैंड। सो आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, और ये जो स्पॉट है यहाँ पे आके आप आउटिंग कर सकते हैं। ये इतना हैपनिंग नहीं है, लेस क्राउडेड और पीस आपको मिलेगा। इवन कि मैं तो बोलूँगा कि आप एक रात के लिए यहाँ पे आ सकते हो। और ये इतना ग्रीन भी इसलिए है क्योंकि ना ये सब आर्मी के अंडर आता है। ये देखो ये सब आर्मी के अंडर आता है, तो आर्मी ने इसको मेंटेन किया हुआ है। यही चीज़ अगर लोकल्स के पास होती किसी, तो आई डोंट थिंक कि ये इतना अच्छे से मैनेज कर सकते थे। आर्मी जो है ये चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करके रखती है। इवन क्या कसौली भी देख लो, कसौली भी है, हालांकि वो अब ज़्यादा टूरिस्ट आने लग गया उस तरफ, मार्केट भी है उस तरफ, बट यहाँ पे अभी लोकल जो है इतना ज़्यादा नहीं है, और ये थोड़ा सा ऊपर हाइट पर आ जाता है, तो अच्छा ऑप्शन है अगर आपको थोड़े टाइम के लिए आना। चंडीगढ़ से आ रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हो, दिल्ली से आ रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हो, एज़ कम्पेयर टू कसौली और शिमला जैसे क्राउडेड रहता है। बाकी चलते हैं, आपको सीन्स जो है वो दिखाते रहेंगे। गौ माता, ये लो सीनरीज चेक करो आप। घर बैठे आपको इतने बढ़िया बढ़िया सीन्स मैं आपको दिखाता रहता हूँ, तो उसके लिए यार एक लाइक तो बनता है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को पहले रोको, चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब करो, उस लाल बटन को दबा दो, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज को दिखाते रहो। इससे अपनी फैमिली भी ग्रो होगी और बाकी सब भी घर बैठ के ऐसी खूबसूरत वादियों का नज़ारा ले सकते हैं।